जी नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग केयर में। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, केचुआ पालन यहाँ पे किस तरीके से किया गया है। तो इस यूनिट पे हम इसके बारे में जानेंगे और बताएंगे प्राकृतिक खेती में किस तरीके से कितना अहम भूमिका जो है हमारा ये बर्मी कंपोस्ट निभाता है और किस तरीके से जो है हम बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो हम आपको पीछे लेकर के दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कंपोस्ट बनाया गया है और बनाया जा रहा है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि ये हमारा जो है बैग है और इस बैग में जो है खाद, गोबर की खाद डाली गई है। उसके बाद में जो है केचुए इसमें डाल दिए गए हैं। तो केचुआ डालने के बाद में उसके ऊपर नीम की पत्ती भी डाली गई है। ये लगभग खाद जो है 45 दिन की 50 दिन की हो चुकी है और इस 45-50 दिन में देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो है केचुए हैं। और इसको हम अगर खोद के दिखाते हैं तो ये सारे केचुए इसमें चल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये हैं केचुए, ये हैं। तो आप जैसा कि इसको देख सकते हैं, तो ये देख पा रहे हैं ये केचुआ है हमारा नन्ना सा प्यारा सा। सारे बेड बने हुए हैं, एक बेड यहाँ है, वहाँ है और बगल में हमारा देख सकते हैं ये नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ के नीचे सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं जिससे यहाँ पे छांव मिलती रहे। छांवदार स्थान इसके लिए चूज किया जाता है और जिससे जो है हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बना रहे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, राइट कीजिएगा और उसके बाद में बताइएगा। धन्यवाद।